वेलकम दोस्तों, हम एक फ्रेंड ने पूछा था HVAC या सेंट्रल AC में डक्ट में जो हीटर लगे रहते हैं उसे हम कैसे चेक करेंगे, ठंडी के टाइम में हीटर को हम कैसे चालू करें, क्या क्या स्टेप रहता है चेक करने के लिए। अगर हीटर रूम नहीं गर्म कर रहा है, हीटर नहीं वर्क कर रहा है, तो कंडीशन में कौन कौन से पार्ट्स हमें चेक करना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा पार्ट्स खराब है और कौन से पार्ट्स का क्या काम, कैसे वर्किंग रहता है। अगर आपको इस सब के बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखें, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। सेंट्रल AC या HVAC या फिर AHU, ये सभी में ज़्यादातर डक्ट में हीटर यूज किया जाता है या फिर AHU के अंदर हीटर यूज किया जाता है, जो बड़े बड़े रहते हैं। ये हीटर ठंडी के टाइम में यूज किया जाता है, चालू किया जाता है, ज़्यादातर गर्मियों में इसका पावर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है या फिर ऑफ किया जाता है। बट ठंडी के टाइम में ज़्यादातर इसे टेक्नीशियन को बुला करके सब लोग चेक कराते हैं, हीटर हमारा सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कैसे क्या स्टेप से हम इसे ऑन करें। तो सबसे पहले हमें हीटर को चालू करने के लिए सिस्टम में जाकर के सभी कनेक्शन वगैरह रहता है जाकर प्रॉपर चेक कर लेंगे, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, वायर कोई लूज नहीं है या फिर कुछ ब्रोकन तो नहीं है, शॉर्ट नहीं है। ये सब चीज़ें आप सेव कर लिया, चेक कर लिया डक्ट में जाकर के, तो उसके बाद आप डिजिटल थर्मोस्टेट है या फिर मैनुअल थर्मोस्टेट है, कोई सा भी है, उसमें हीट एंड कूल का फंक्शन रहता है, मोड रहता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो कूल मोड रहता है उसे ऑफ करके हीट मोड पर सेलेक्ट करेंगे, और टेम्परेचर सेट करना जो रहता है इसमें, नॉर्मली हम कूलिंग के लिए टेम्परेचर डाउन करते हैं, एग्जाम्पल 20, 19, 18, 70 कम करेंगे तो कूलिंग ठंडा होगा, टेम्परेचर ठंडा होगा। बट हमें रूम को गर्म करना है, रूम को गर्म करना है तो उसी लिए हमें टेम्परेचर को डाउन बढ़ाना पड़ेगा, एग्जाम्पल जैसे कि 25, 27, 28, 30 डिग्री टेम्परेचर, या नॉर्मल आपको जो रूम में टेम्परेचर चाहिए उतना आप सेट कर सकते रहे। ज़्यादातर आप 25 या 27 नियर बाई ना लोग रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप कर रख हीट करके रखेंगे तो टाइम में क्या रहता है, स्किन में प्रॉब्लम होता है या फिर और भी बहुत से प्रॉब्लम हो सकते रहे, मे बी बिजली का बिल या फिर फायर होने का, ज़्यादा हीट करेंगे तो चांसेस रहते हैं। बट इसमें सेफ्टी प्रोटेक्शन रहता है, फायर बहुत कम रीजन में होता है। तो आपने इसे सेट कर लिया है, अगर टेम्परेचर यहाँ पर देख रहे हैं रूम का टेम्परेचर यहाँ पर 25 रख लिया है, और इसमें जो एनवायरनमेंट टेम्परेचर जो है 23 या 20 है, और ये कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर नहीं पड़ रहा है, 24, 25 नहीं आ रहा रूम में, तो कंडीशन में समझ सकते रहेंगे हीटर चालू नहीं है, नहीं वर्क कर रहा है। तो वापस हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, हीटर चेक करने के लिए जाना पड़ेगा। तो उसमें कुछ सेफ्टी डिवाइस लगे रहते हैं, नॉर्मली आप मैं फर्स्ट यहाँ पर थर्मोस्टेट से आपने ऑन कर लिया है, चालू कर लिया, हीट मोड कर लिया है, यहाँ से आउटडोर जो थर्मोस्टेट का ट्रांसफार्मर रहता है, जो पावर यहाँ सप्लाई होता है, वो आप कॉमन पर रख करके थर्मोस्टेट जो डिजिटल थर्मोस्टेट है हनीवेल का, तो उसमें आप देखेंगे जो कलर कोडिंग जो रहता है हीटर के लिए उसमें W लगा रहता है, जैसे कि G रहता है ब्लोअर के लिए, C जो रहता है कॉमन रहता है, R जो रहता है मेन पावर इनकमिंग होता है, Y कूलिंग के लिए होता है, उसी तरह से W जो कलर कोड रहता है, W जो सिंबल्स रहते हैं कनेक्टर रहता है, वहां से जो आउट होता है व्हाइट कलर का वायर हीटर के लिए आउट होता है, हीटर कलर का जो हीटर के लिए जाता है, तो यहाँ हम चेक करेंगे थर्मोस्टेट जो पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर थर्मोस्टेट यहाँ पर पावर आ रहा है इसका मतलब अंदर काम कर रहा है, नहीं आ रहा है तो हमारे थर्मोस्टेट में ही प्रॉब्लम रहेगा, तो उसे हम रिप्लेस रिपेयर करने की जरूरत रहेगा। हमने चेक कर लिया है आउटडोर में थर्मोस्टेट से वाई कलर पर जो W था, W पर पावर आ रहा है, कॉन्डक्टर नहीं ऑन हो रहा है, तो कंडीशन कॉन्डक्टर का क्वाइल चेक करेंगे। क्वाइल चेक करने से पहले फिर भी नहीं ऑन हो रहा है तो उसके पहले और भी सेफ्टी डिवाइस लगे रहते हैं। डक्ट जो रहता है डक्ट के अंदर एयर प्रेशर स्विच लगा रहता है और एक ओवरलोड लगा रहता है। एयर प्रेशर स्विच क्यों लगा रहता है, एयर प्रेशर इसलिए लगा रहता है क्योंकि कभी भी आपका हीटर ऑन होने से पहले ब्लोअर ऑन होना चाहिए, चलना चाहिए। बाई चांस आपका हीटर चालू हो गया है और एयर ब्लोअर जो है वो नहीं वर्क कर रहा है, हवा नहीं फेंक रहा है, रूम में नहीं आ रहा है, तो कंडीशन में क्या होगा, हीटर ऑन हो गया है, हीटर जो है उसका हीटिंग जो रहता है रूम में नहीं फैलेगा, थर्मोस्टेट
थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर रहता है वो सेंस नहीं कर पाएगा और हीटर कंटिन्यू वर्क करेगा। वो टाइम में पूरा लाल होगा हीटर और वो फायर हो सकता रहेगा, जल हो सकता रहेगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता रहेगा। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट इसमें जो लगा रहता है एयर प्रेशर स्विच लगा रहता है। एयर मीन्स यानी कि जब ब्लोअर चलेगा तो डक्ट के अंदर हवा भरेगा, जब एयर बनेगा हवा आएगा तो सिस्टम को ब्लोअर को जो एयर प्रेशर स्विच रहता है उसे मालूम चलेगा अभी अब ब्लोअर चल रहा है। फिर सप्लाई आगे पास करेगा तो उसके पास जाएगा ओवरलोड के पास जाएगा, ओवरलोड रहेगा या फिर थर्मल स्विच लगा रहेगा जो टेम्परेचर को सेंस करे हीटर में डक्ट में ज़्यादा हीट हो रहा है या फिर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, लोड ले रहा है, तो वहाँ से ओवरलोड या थर्मल स्विच रहता है वहाँ पर पावर जाएगा। तो उसे हम चेक कंटिन्यूटी मोड पर रख कर चेक कर सकते रहेंगे। इसी जो एयर सेंसर स्विच है, एयर स्विच है, इसे भी आप कंटिन्यूटी मोड पर ही चेक करेंगे। इन और आउट पावर होना चाहिए, कंटिन्यू स्विच होना चाहिए, नहीं हो रहा है जिसका मतलब वो खराब है, या फिर एयर स्विच है तो उसमें हवा नहीं बन रहा है, ब्लोअर नहीं चल रहा है, तो ब्लोअर हम उसे ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे, क्या कंडीशन है वो अलग पार्ट्स में जानेंगे, बट अभी हम हीटर के बारे में जान रहे हैं। तो आपका ब्लोअर नहीं चलेगा तो एयर स्विच से कंटिन्यूटी नहीं शो करेगा, आपका ब्लोअर चल रहा है तो एयर स्विच का जो रहता है उसका कंटिन्यूटी शो करेगा, वहां से पावर आगे आएगा। फिर थर्मोस्टेट जो लगाता है, थर्मल स्विच लगाता है, ओवरलोड लगा रहेगा, वहां पर भी चेक करेंगे कंटिन्यूटी मोड पे ही, वहां से भी पावर आगे आउट होना चाहिए। अगर पावर आउट हो रहा है तो उसके बाद कॉन्ट्रेक्टर आता है, कॉन्ट्रेक्टर में हम चेक करते हैं पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉन्ट्रेक्टर में आ रहा है तो उसके बाद 3 फेस है या फिर 2 फेस है, वहाँ से ब्लोअर के लिए पावर जाता है और हीटर ऑन होता है। इसके यहाँ से कॉन्ट्रेक्टर से पावर आउट भी हो रहा है फिर भी हीटर नहीं चालू हो रहा है तो हीटर का उसका कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है। हीटर में कंटिन्यूटी या उसमें सिंगल फेस होता है या फिर 3 फेस के होती हैं, जो बड़े बड़े हीटर रहते हैं 3 फेस के रहते हैं, तो उसमें हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे हीटर का क्वाल, हीटर सही है या फिर खराब है, कंटिन्यूटी उसमें शो करना चाहिए। कंटिन्यूटी हीटर का शो कर रहा है तो हीटर वर्क करेगा, नहीं कर रहा है तो हीटर उसे रिपेयर करने की या रिप्लेस करने की जरूरत रहता है। तो बेसिक कुछ इस तरह से वन बाई वन स्टेप लेकर के हीटर को चेक कर सकते रहेंगे, हीटर सही है या खराब है, ये सब पार्ट्स उसमें लगे रहते हैं। और इसी तरह से और प्रैक्टिकली के बारे में जानने के लिए, प्रैक्टिकली चीज़ें देखने के लिए, सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन जरूर करें, जिसमें कुछ भी इस तरह से वीडियो बनाए आपके पास भेज सके, और आप वीडियो उन लोग पास शेयर करें जो लोग नए टेक्नीशियन हैं ये फील्ड में HVAC का काम सीखना चाहते हैं या फिर हीटर के या कूलिंग मोड के बारे में जानना सीखना चाहते हैं, उन लोग तो वीडियो भेजें, शेयर करें, आप इन लोगों का हेल्प जरूर करें। तो आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।